आज हम लोग राजेंद्र नगर स्टेशन पर खड़े हैं। दिल में सुकून है कि हम लोग जिस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे उसी ट्रेन में ये भी रहेगी। तो आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। रोड साइड वाला जो टेस्ट है ना, वो रोड साइड वाला ही होता है। राजेंद्र नगर टर्मिनल का जवाब नहीं है, रात के वक्त ये और भी ज्यादा प्यारा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आज हम लोग पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे हैं। और आज कुछ ऐसी बात थी जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए? तो हम लोग दरअसल पटना से गुवाहाटी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो RMS कहते हैं, जो जहां पर लगेज बुक किया जाता है, तो उसके प्रक्रिया को, उसका पूरा जो सिस्टम है उसको समझेंगे और आपको भी बताएंगे कि आखिर अगर आप जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं उस ट्रेन में लगेज को कैसे बुक कराएंगे। पैकेजिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो आप सामान लेकर के आते हैं उसको यहाँ पर पैक कराना पड़ता है। आप देखिए किस तरह से पैकिंग हो रही है। जो भी सामान आप लेकर के आएंगे उस सामान को पहले पैकिंग कराई जाती है, फिर उसका वज़न किया जाता है, और वज़न करने के बाद उसको तब जाकर के फॉर्म फिलअप, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। लेकिन आप पहले देखिए किस तरह से आपका सामान जो है वो पैक होता है, और इस पैकिंग के बाद ही वो एक्सेप्ट किया जाता है। हमारा जो सामान है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामान रखा हुआ है। एक पलंग है, एक सोफ़ा है और एक बाइक है, जो हम लोग यहाँ से पैकेजिंग करा करके पटना से गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। ट्रेन हमारी एक दिन बाद है, लेकिन पैकेजिंग आपको उस दिन भी आप करा सकते हैं जिस दिन आपकी जर्नी होती है, या फिर उससे एक दिन पहले कराने से आपको सहूलियत होगा और उस समय की जो आपाधापी होगी उससे आप बच जाएंगे। अगर हम पैकेजिंग के बारे में आपको बताएं तो पैकेजिंग के कुछ सिस्टम हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी जो लगेज होगा आपका, वो लगेज 200 सेंटीमीटर, एक बार फिर से आपको बताएं, 200 सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन 201 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उससे अगर ज़्यादा होता है तो फिर आपको जा कर के हेड ऑफिस से पास कराना होगा, तभी जा कर के उसकी अनुमति मिलेगी। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक और चीज़ जो कौन सी चीज़ है जो हम साथ में कैरी कर रहे हैं। तो ये हमारी रॉयल इनफील्ड है जिसको हम ले करके जा रहे हैं गुवाहाटी। और इसके पैकेजिंग के लिए जो है कि सबसे बड़ी जो बात है कि सबसे पहले आपको जो है ना, गाड़ी का पूरा टंकी जो है, जो पेट्रोल टंकी है, उसको खाली करना पड़ता है, क्योंकि आप पेट्रोल के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। इसकी इजाज़त इंडियन रेलवे आपको नहीं देता। तो इसका पेट्रोल अभी निकलवाना है और उसके बाद इसको बुकिंग करवाना है। उसके बाद जो बाइक का जो ऑनर होता है उसको साथ में रहना होता है। अगर बाइक का ऑनर नहीं रहेगा जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, तो फिर बाइक एक्सेप्ट नहीं की जाती है। सोफा पलंग तो लकड़ी का सामान होता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती और स्क्रैच लगने का भी टेंशन नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारी बाइक है ये जान से भी ज़्यादा प्यारी है, इसमें एक स्क्रैच भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात तो एक दिल में सुकून है कि हम लोग जिस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे उसी ट्रेन में ये भी रहेगी, ये लगेज में खड़ी रहेगी और हम लोग कोचेज में बैठे होंगे, लेकिन साथ जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून है और स्क्रैच में भी न लगे इसका पैकिंग जो कराया जाएगा। राजेंद्र नगर स्टेशन आने पे जो ट्राई कलर है ना, इसे देख करके बहुत ही फख्र फील होता है। देखिए किस तरह से हवा में जो है वो लहरा रहा है नीले आसमान के नीचे। राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमने इसका ब्लॉग पहले किया था, लेकिन इसके अंदर आकर के अभी तक एक बार भी ब्लॉग नहीं किया था। आज हम लोग राजेंद्र नगर स्टेशन पर खड़े हैं और यहाँ से जो लगेज का जो काम है ना, उसको करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। फिलहाल राजेंद्र नगर स्टेशन काफ़ी बिजी स्टेशनों में से एक है और यहाँ पर जो लोगों का आवागमन है ना, बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए ट्रेन खुल रही है हमारे पीछे, ये ट्रेन यहाँ से सीधे जाएगी, राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाती है। हमने सोचा कि जब राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म पर हैं ही, जब राजेंद्र नगर स्टेशन पर हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा आपको स्टेशन को भी दिखाया जाए। राजेंद्र नगर स्टेशन जो है ना, वो काफ़ी कुछ पहले से बदल चुका है। जो ट्रेन के अनाउंसमेंट होता है वो काफ़ी प्यारा लगता है अंदर से, क्योंकि उसके अनाउंसमेंट का जो सुर है ना, वो बहुत ही मधुर होता है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हम लोग वॉक कर रहे हैं अभी।
पटना में अभी सनसेट होने वाला है और सनसेट के वक्त राजेंद्र नगर कैसा दिखता है इसकी खूबसूरती को आप देखिए और खुद महसूस करिए। जब आप सामान को लगेज करवाने के लिए आएंगे तो आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:45, हम लोग यहाँ पर जब आए थे उस समय बज रहे थे 2, तो 3 घंटे से ऊपर होने वाले हैं, तकरीबन 3 घंटे होने वाले हैं। और अभी तक देखिए अभी सारा का सारा जो सामान है वैसे ही का पड़ा हुआ है। एक पलंग का जो साइड वाला होता है वो पैक हो चुका है और एक जो पैर के पास वाला होता है वो, बाकी सिरहाने वैसे ही है, सोफा वैसे ही के वैसे ही रखा हुआ है। नगर जंक्शन पर हम आए थे लगेज बुक कराने के लिए, अभी भी प्रक्रिया चालू है। हमने आपको बताया था कि 2 बजे पहुंचे थे और देखिए अभी 5 बज चुके हैं। हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ पर जो है कि हमें इतना वक्त हो गया कि भूख लग गई। अब देखिए यहाँ पर आपको हाइजीन तो मेंटेन नहीं हो पाएगी, लेकिन जब भूख लगती है तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। हमारा जो एग चाउमीन है वो आ चुका है और आलू में टेस्ट में बेस्ट है क्या, तीखा ज़्यादा हो गया लग रहा है, टेस्ट बेस्ट है। चलिए फिर, भले ही हाइजीन मेंटेन नहीं हो लेकिन रोड साइड वाला जो टेस्ट है ना वो रोड साइड वाला ही होता है, काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। बिहारी हैं तो देसी जो है बिहारी स्वाद, अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर भूख नहीं मिटती है। अभी हम लोग कुछ और खाने की सोच रहे हैं, देखते हैं आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं क्या कुछ खाने को मिलता है। और लगता है कि बस समझ गए होंगे आप, हाँ बिहारी लिट्टी आगे हम लोग यहाँ पर अब लिट्टी हम लोग खाते हैं, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पर जो लिट्टी मिल रही है पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन के सामने वाले देख रहे ना क्या, ये लिट्टी है, ये बिहारी देसी स्वाद लिट्टी, हम लिट्टी खा रहे हैं। सतुआ, अजवाइन, मंगरेला, लहसुन, अदरक, नींबू, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट आपको इस लिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए कहते हैं लिट्टी इज द बेस्ट। नाश्ता पानी करके हम लोग एक बार फिर से राजेंद्र नगर टर्मिनल के कैंपस में आ गए हैं और देखिए कितना खूबसूरत जो लाइटिंग है ना, इसकी लाइटिंग कितनी खूबसूरत की गई है, राजेंद्र नगर टर्मिनल का जवाब नहीं है। रात के वक्त ये और भी ज़्यादा प्यारा लगता है, जिस तरह से पटना जंक्शन है उसी तरह से राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भी ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है। इसका व्लॉग हम पहले आपको दिखा चुके हैं और वहाँ पर अभी भी हमारा जो है ना वो पैकेजिंग हो रहा है। आप देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल रात में कैसा दिख रहा है। बस रखिए, अभी गाड़ी से तेल निकाल रहे हैं। तेल निकालना जरूरी है? हाँ जरूरी है। अच्छा खोला करा खींचे, ठीक है तेल पूरा हुआ। अभी हमारी बाइक का पूरा ऑपरेशन हो रहा है, देखिए गाड़ी को स्टार्ट किया गया है और तेल इसका निकाला जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट इसलिए है क्योंकि आखिर में जब तेल पूरा खत्म हो जाए तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि पेट्रोल अलाउ नहीं है। हम लोग अभी अंदर चलते हैं और प्रोसेस दिखलाते हैं क्या प्रोसेस है जो पैकेजिंग होती है सामान की। तो यहाँ पर सामान जब पैक होने के बाद आता है तो सबसे पहले उसका वेट किया जाता है और वेट करने के बाद एक फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कभी पापा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं कितना वेट है, कितना इसमें रखा है, क्या क्या लिखे हैं पापा? साइड पट्टी हो गया, पैताना साइड हो गया, सोफा पलंग का, फिर सोफा सिंगल साइज हो गया, सेट हो गया, फिर पलंग का पलाई हो गया, फिर सोफा सिंगल साइज, सबका वेट लिखना पड़ा, सबका वेट लिखना, सबका वेट लिखने के बाद उसके बाद इसका बिलिंग होगा, बिलिंग होगा।
ट्रेवलिंग होगा, पैसा जमा करना होगा। तो इस तरह देखिए सब कुछ यहाँ पे वेट हो रहा है और हम लोग यहाँ पर वेट करवा रहे हैं, और वेट का जो है वेट करने के बाद उसे बिलिंग कराया जाएगा फॉर्म भरने के बाद। हम यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें कि 200 सेंटीमीटर एटलीस्ट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका सामान। 200 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपको लगेज में लगेगा। प्लेटफॉर्म के अंदर देखिए यहाँ पर हमारा जो सामान है उसे यहाँ पर रखा जा रहा है। ये फाइनली इसका वेट हो चुका है, अब जो इसका वेट है वो फॉर्म में फिलअप होगा, देन फिर लगेज के लिए लगेगा। अभी यहाँ पर सामान मिलाया जा रहा है, सामान मिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपने लगेज कराया है उसका कौन कौन सा और कितना कितना पार्ट है, क्योंकि एक पलंग में 4-5 पार्ट हो गए। ये किराना हो गया, उसके बाद ये जो है वो प्लाईबोर्ड है, सोफ़ा हमारा यहाँ पर रखा है, और इस साइड में पलंग के और भी कुछ पार्ट हैं जो रखे गए हैं। तो सामान मिला लेना चाहिए, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सामान को मेज़र किया जाता है, 200 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए, तो ये मेज़रमेंट के काम चल रहा है, भैया कर रहे हैं मेज़रमेंट के काम। अभी हम लोग लगेज रूम के बाहर है और फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमारा जो लगेज है वो बुक हो गया है। कल हम लोग गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे कैपिटल एक्सप्रेस से। हमारी एक बार फिर से पटना टू गुवाहाटी यानी कि राजेंद्र नगर टू कामाख्या का जो सफ़र है वो शुरू होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपका दोस्त साहेब।